नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला आपके अपने निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हमारी जो एमपी जीके की सीरीज चल रही है, इसमें आप लोगों को मैंने राष्ट्रीय उद्यान तक बता दिए थे। हालांकि उसमें आपको देखा था कि जितने भर मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यान, उनके बारे में जानकारी, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, किस राष्ट्रीय उद्यान में क्या विशेषता है ना, और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पशु पक्षी हैं, उनमें से कौन से प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित हैं, कौन से नहीं सम्मिलित हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यान से जितने भर महत्वपूर्ण चीज़ें थे आपने पिछले वीडियो में देखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप एक बार उसको पुराने वाला जो वीडियो है राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आप उसको देख सकते हैं। आज अपन देखते हैं अपनी परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या लगभग मध्य प्रदेश की इस परीक्षा में सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख वन अभयारण्य। तो मध्य प्रदेश में जैसा कि आपको मालूम है कि वनीय क्षेत्रफल तो ज़्यादा है ही, है ना। मध्य प्रदेश का वनीय क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना है, 77,462 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे आपके कई राष्ट्रीय उद्यान हैं और साथ ही साथ आपको वन अभयारण्य भी देखने को मिलते हैं। तो वन अभयारण्य जो आपको विशेष पशु पक्षी संरक्षण, है ना, प्रकृति के लिए आपके लिए बनाए गए हैं, ये आपके लगभग 30 से 31 जो हैं आपके महत्वपूर्ण वन अभयारण्य देखने को मिलते हैं। तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इनमें महत्वपूर्ण ये है कि जैसे इनमें कुछ वन अभयारण्य जो हैं आपके विशेष पशु पक्षी के लिए संरक्षित हैं, तो उनमें पूछा जाता है कि जैसे आपके कठीवाड़ है, ये किसके लिए समर्पित है और किस ज़िले में स्थित है। तो दो चीज़ें ही विशेष रूप से पूछी जाती हैं कि किस ज़िले में है। प्रथम दृष्टि से यदि आप देखें तो पहले नंबर पे आता है कि जो वन अभयारण्य है किन ज़िलों में स्थित है। दूसरा जो पूछा जाता है कुछ विशेष पशु पक्षी के लिए, है ना, जैसे कि आपके घाटी गांव हो गया, करेरा हो गया, तो ये किसके लिए आपके महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पे किस पशु पक्षी का संरक्षण किया जा रहा। तो आज अपन मैप में क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैप से आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा कि ये जो आपके प्रतिलिपि है इसके आपके दिमाग में बन जाए कि आपको याद रहे कि ये कौन कौन से वन अभयारण्य कहाँ पे और किस ज़िले में स्थित है। क्या होता क्या है कि ये जो वन अभयारण्य है सबसे ज़्यादा परेशान आपको करते हैं कम, जब आपको दिमाग में याद करने के समय सबसे ज़्यादा जोर लगता है। क्यों? अब उसमें आप 31 राष्ट्रीय वन अभयारण्य जब आप सीधे पढ़ते हैं तो होता क्या है कि फिर नौरादेही आपको दमोह याद आता है और फिर आपको कठीवाड़ धार याद आता है। तो इससे अच्छा है, इस समस्या से बचने के लिए आप क्या करिए कि मैप में देखते जाइए और जब पूरे 31 आपके वन अभयारण्य बन जाएंगे तो इनको क्या करिएगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके लिए ये आसानी होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा जो अपना वन अभयारण्य है। यदि मध्य प्रदेश में बात करें वन अभयारण्य के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन अभयारण्य है ये कौन सा है आपका, नौरादेही वन अभयारण्य। ये किस ज़िले में है आपके, सागर जिले में। ठीक है, पहले बड़े छोटे की बात कर लेते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन अभयारण्य है ये कौन सा है, नौरादेही, ये आपके सागर में है, है ना। और यदि जब बड़े की बात कर रहे हैं तो छोटे की भी बात कर लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन अभयारण्य है ये कौन सा आपका, राला मंडल इंदौर। ये आपके सबसे छोटा वन अभयारण्य है राला मंडल इंदौर। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले तो बात हो गई, पहले पॉइंट पे आप देखेंगे तो पहले बड़े छोटे की बात हो गई, है ना, कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा। अब मैं एक एक जो वन अभयारण्य है वो मैप में आपके बनाता चलूँगा, आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं नौरादेही से ही, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आप मैप में देखेंगे कि जो भौगोलिक स्थिति दिखती है, यहाँ पे आपके निवाड़ी दिखता है, बगल में टीकमगढ़ दिखता है, तो यहाँ पे आपका एक जो आपका ज़िला लगता है ये कौन सा है, सागर ज़िला लगता है। और सागर ज़िले में आपका कौन सा वन अभयारण्य देखने को मिलता है, नौरादेही वन अभयारण्य देखने को मिलता है सागर ज़िले में। यदि नौरादेही में बात करें कि जो नौरादेही सागर ज़िले में स्थित है, तो यहाँ पे आपके जब आप घूमने जाएंगे तो यहाँ पे आपके कौन कौन से पशु पक्षी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नील गाय हो गया, जंगली सुअर हो गया, तेंदुआ हो गया, चीतल हो गया, सांभर हो गया, ये आपके इस नौरादेही वन अभयारण्य में देखने को
मिलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल नदी पे आपके जो निर्मित है ये राष्ट्रीय चंबल, आपको मालूम है जब नदी में अपन लोग देखेंगे तो यहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है महू से, जाना पाओ की पहाड़ी से, और ऐसे होते हुए आपकी ये पूरा यहाँ से ऐसे बहती है और जाके आपके कहाँ पे यमुना नदी गंगा नदी तंत्र का आपका भाग बनती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जब मैप में देखिए तो इधर साइड आपको श्योपुर, इधर साइड आपको भिंड, बीच में मुरैना। तो यहाँ पे आपके मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है कौन सा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये आपके किस जिले में देखने को मिलता है, मुरैना जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ये जो वन अभ्यारण्य है स्पेशली किस पे बनाया गया है, ये नदी पे बनाया गया है। तो यहाँ पे जो जलीय जीव जंतु हैं जैसे कि आपके क्या देखने को मिलते हैं इस अभ्यारण्य में, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, तो ये यहाँ पे आपके राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो आपके मुरैना में स्थित है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आता है जो नदी पे बनाया गया है, केन नदी अभ्यारण्य। केन नदी अभ्यारण्य की बात करें तो आपको मालूम होगा केन नदी आपके यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला से या कैमूर श्रेणी से आपके निकलती है। तो केन नदी आपके कहाँ पे बहती है, पन्ना छतरपुर में बहती है। तो केन नदी अभ्यारण्य जो है यहाँ पे आपको जो जिला मिलता है ये बनाया गया है कहाँ पे, आपके पन्ना छतरपुर में केन नदी अभ्यारण्य। यहाँ पे भी आपके कौन से यानी कि किसका, केन नदी अभ्यारण्य में यदि बात करें कि किसका, घड़ियाल हो गया, मगर हो गया, इन सभी का आपके क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद केन नदी के बाद आपके आता है सोन नदी अभ्यारण्य। तो सोन नदी अभ्यारण्य आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सीधी में। ये सोन नदी अभ्यारण्य में, सोन नदी के बारे में आपको मालूम होगा, सोन नदी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो सोन नदी अभ्यारण्य में किसका संरक्षण है, आपके घड़ियाल का संरक्षण है। ये कहाँ पे आपके किस जिले में, सीधी जिले में है सोन नदी अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पे ये हो गए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, केन नदी अभ्यारण्य और सोन नदी अभ्यारण्य और नौरा देही। इसके बाद इसी तरह और भी बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, जैसे कि आपके देखने एक यहाँ पे था पालपुर कूनो अभ्यारण्य, जिसको याद रखिएगा कि 2018 में इसको किसके रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित किया गया है। यहाँ पे आपके जो पालपुर कूनो है यहाँ पे आपके एशियाई चीते जो हैं आपके लाने की योजना बन रही थी, पता नहीं आए कि नहीं आए वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पालपुर कूनो हटा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप ऊपरी संभाग में देखेंगे ग्वालियर शिवपुरी में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक तो मिलता है आपके कौन सा, घाटी गांव। घाटी गांव ये कहाँ मिलता है, घाटी गांव आपके, घाटी गांव देखने को मिलता है कहाँ पे, ग्वालियर जिले में। घाटी गांव कहाँ पे आपके, ग्वालियर जिले में। एक देखने को मिलता है आपके करेरा, ये करेरा कहाँ पे है आपके, शिवपुरी में, शिवपुर नहीं शिवपुरी, याद रखिएगा घाटी गांव ग्वालियर में और करेरा आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, शिवपुरी में देखने को मिलता है, है ना। यहीं करेरा राष्ट्रीय उद्यान में आप यदि घूमने जाएंगे तो आपको सोन चिड़िया हो गई, है ना, चीतल हो गए, सांभर हो गए, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह आपके घाटी गांव ग्वालियर में भी आपके इसी तरह के सोन चिड़िया और करेरा जो आपके विशेष रूप से जो देखने को मिलते हैं घाटी गांव और करेरा में, सोन चिड़िया का विशेष रूप से आपके संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगले जो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है आपका फैन राष्ट्रीय उद्यान। फैन राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, फैन राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे देखने को मिलता है किस जिले में, आपके मंडला में। फैन राष्ट्रीय उद्यान सॉरी वन अभ्यारण्य मंडला में फैन। फिर मंडला के बाद आप देखेंगे कि पनपथा देखने को मिलता है, पनपथा पनपथा ये कहाँ पे है, पनपथा पनपथा राष्ट्रीय उद्यान आपके उमरिया में देखने को मिलता है, पनपथा राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में, शहडोल उमरिया, है ना, पनपथा आपके शहडोल उमरिया में देखने को मिलता है, कौन सा, पनपथा वन अभ्यारण्य।
इसके बाद आपको देखने को मिलता है सरदारपुर। तो सरदारपुर यहाँ पे आप आएंगे तो इंदौर के बगल में आपको एक जो ज़िला मिलता है कौन सा, धार ज़िला, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है सरदारपुर वन अभ्यारण्य, किस ज़िले में, धार ज़िले में देखने को मिलता है। अब यदि सरदारपुर की बात की जाए कि जो सरदारपुर धार है यहाँ पे आपके किसके, यहाँ पे आपके जो चिड़िया है आपके कहाँ पे, सरदारपुर धार में सोन चिड़िया, इसका भी संरक्षण किया जा रहा है धार में, ठीक है। इसके बाद आपके सरदारपुर धार हो गया। इसके बाद अगला जो आपको देखने को मिलता है सरदारपुर में स्पेशली जो आपके हैं कौन सा, खरमोर पक्षी या जिसको क्या कहते हैं, दूध राज कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे धार के बगल में आप देखेंगे कि आपका एक जो ज़िला मिलता है रतलाम, रतलाम में आपको कौन सा वन अभ्यारण्य देखने को मिलता है, सैलाना, ये आपके रतलाम में, यहाँ पे आपके किसले, किसका स्पेशली, खरमोर पक्षी इसका। देखिए ये जो मैं आपके जिनमें विशेष रूप से पक्षियों को बता रहा हूँ, जैसे कि सरदारपुर में खरमोर पक्षी, सैलाना आपके यहाँ पे रतलाम में खरमोर पक्षी, तो इनके पूछे भी जाते हैं कि सैलाना वन अभ्यारण्य किस ज़िले में है, साथ ही साथ इसमें कौन से विशेष पशु पक्षी का आपके क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। तो इनको आप स्पेशली याद रखिएगा कि इनका जो संरक्षण है या आपके किस ज़िले में है और कौन कौन से यहाँ के जो प्रमुख है आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहीं पे आप देखेंगे कि जो एक ऊपर साइड आपको देखने को मिलता है झाबुआ और नीचे आपको देखने को मिलता है अलीराजपुर, तो अलीराजपुर में आपके कौन से आपके देखने को मिलता है, एक वन अभ्यारण्य कट्ठीवाड़, ये आपके कहाँ पे है, अलीराजपुर में देखने को मिलता है कट्ठीवाड़ वन अभ्यारण्य। यदि यहाँ पे बात की जाए कि जो कट्ठीवाड़ अलीराजपुर है तो यहाँ पे आपके ये कहाँ पे आपके अलीराजपुर ज़िले में, यहाँ पे आपके देखने को स्पेशली देखने जाएंगे तो आपको किसके, मोर का आपके संरक्षण देखने को मिलता है कहाँ पे आपके, कट्ठीवाड़ अलीराजपुर में, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो एक देखने को मिलता है सरदारपुर धार हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है कौन सा, मांधाता, मांधाता ये कहाँ पे आपके, खंडवा ज़िले में देखने को मिलता है मांधाता। उसके बाद यहीं पे आप देखेंगे कि एक आपके इसी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आपके कौन सा है, कामधेनु वन अभ्यारण्य, यहाँ पे जो आपका ऊपर साइड आगरमालवा नीचे साइड कौन सा ज़िला आपके, साजापुर में आपके कौन सा, कामधेनु, यानी कि जो गौ अभ्यारण्य है ये कहाँ पे आपके बनाया गया है, आपके साजापुर में बनाया गया है, ये वही साजापुर है जिससे आपके 15 अगस्त 2013 को विभाजित करके नया ज़िला बनाया गया था आगरमालवा। तो कामधेनु वन अभ्यारण्य आपको देखने को कहाँ मिलता है, आपके साजापुर में देखने को मिलता है, ठीक है। इसे कामधेनु गौ अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो गाय है इसका आपके संरक्षण विशेष रूप से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि एक कौन सा देखने को मिलता है खंडवा में आपके, कौन सा, मांधाता वन अभ्यारण्य, यहीं पे खंडवा में एक आपको देखने को मिलता है कौन सा, सुरमैनिया, सुरमैनिया वन अभ्यारण्य आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी आपके खंडवा में ही देखने को मिलता है सुरमैनिया वन अभ्यारण्य, है ना। तो सुरमैनिया और मांधाता आपके कहाँ पे, खंडवा में। इसी खंडवा के बगल में एक दिखता है आपका जो ज़िला है कौन सा, बैतूल, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कौन सा, काली भीत वन अभ्यारण्य, ये कहाँ पे आपके देखने को मिलता है, बैतूल में। काली भीत वन अभ्यारण्य आपके कहाँ पे मिलता है, बैतूल में मिलता है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे अपन जब पश्चिमी संभाग में यानी कि जो उज्जैन इंदौर संभाग के आसपास की बात कर रहे हैं तो यहीं पे आप देखिए कि धार के बगल में आपका जो है कौन सा, इंदौर में आपके राला मंडल, ये कहाँ पे आपके, इंदौर में है, राला मंडल इंदौर में है ना। इसके बाद
आपके ये लगभग आप देखिए देखते जाइए, मैंने इनका लिखा है स्पष्ट रूप से, कराला मंडल इंदौर हो गया आपके, सुरमैनिया, मांधाता, खंडवा हो गया। इसके बाद अब थोड़ा सा इधर साइड आगे चलते हैं कि और कौन कौन से हैं, तो यहीं पे आपके कुछ और हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके ये इंदौर, इंदौर के बगल में आपके दिखता है देवास, तो देवास में आपका एक दिखता है कौन सा, खिवनी, सिवनी नहीं, क्या देखना, खिवनी, ये कहाँ पे है आपके, देवास में है वन अभ्यारण्य, खिवनी देवास में आपको देखने को मिलता है। यहीं पे आप देखेंगे कि एक देखने को मिलता है आपके कौन सा, नरसिंहगढ़, ये कहाँ पे है आपके, किस ज़िले में आपके, राजगढ़ ज़िले में देखने को मिलता है नरसिंहगढ़, आपके कहाँ पे आपके देखने को मिलता है, राजगढ़ ज़िले में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ये आप देखिए कि यहाँ पे आपके नीमच है ऊपरी साइड पश्चिमी भाग में और नीचे मंदसौर, तो यहाँ पे आपके मंदसौर में एक और वन अभ्यारण्य है, ये आपका कौन सा है, गांधी सागर वन अभ्यारण्य, यहाँ पे आपके गांधी सागर बांध भी बनाया गया है, तो गांधी सागर वन अभ्यारण्य आपके कहाँ पे, आपके मंदसौर ज़िले में, गांधी सागर आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, मंदसौर ज़िले में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ये इधर साइड के लगभग लगभग आपके गांधी सागर हो गया, सैलाना हो गया, आपके कट्ठीवाड़, सरदारपुर, राला मंडल, मांधाता, सुरमैनिया, कालीभीत, तो यहाँ पे आपके जैसे ही आप पर्वतीय क्षेत्र जो आपका होशंगाबाद जहाँ पे आपके पचमढ़ी है, तो यहाँ पे आपको कौन सा, होशंगाबाद ज़िले में दो वन अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं, नंबर एक आपके बोरी वन अभ्यारण्य, बोरी और दूसरा है आपके पचमढ़ी, ये दोनों आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं, होशंगाबाद ज़िले में देखने को मिलते हैं, कहाँ पे देखने को मिलते हैं, होशंगाबाद ज़िले में आपको देखने को मिलते हैं बोरी और पचमढ़ी वन अभ्यारण्य, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जब बोरी और पचमढ़ी की बात कर रहे हैं कहाँ पे आपके होशंगाबाद में, तो यहीं पे आपके भोपाल संभाग में सम्मिलित है आपका कौन सा, रायसेन ज़िला, इसके अंतर्गत एक वन अभ्यारण्य है रायसेन ज़िला में आपका कौन सा, आपके रातापानी, जो आपके किसके अंतर्गत सम्मिलित है, रातापानी वन अभ्यारण्य आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है। तो जब आप बीचों बीच देखते हैं तो इधर साइड आपके राजगढ़ दिखता है और इधर साइड आपके कौन सा दिखता है, आपके रायसेन ज़िला दिखता है, तो रायसेन ज़िले में एक वन अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है कौन सा, आपके रातापानी, ये आपके किसके अंतर्गत सम्मिलित है, आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, रातापानी आपके रायसेन में, और रातापानी तो है ही, साथ ही साथ एक और वन अभ्यारण्य देखने को मिलता है यहाँ पे आपके रायसेन ज़िले में, आपके कौन सा, सिंधारी वन अभ्यारण्य, ये भी आपके किस ज़िले में है, आपके रायसेन ज़िले में देखने को मिलता है। मतलब कि रायसेन ज़िले में कौन कौन से आपको दिखाई पड़ते हैं, एक तो रातापानी जो आपके किसके अंतर्गत सम्मिलित है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है, दूसरा आपके कहाँ पर आपके कौन सा दिखाई पड़ता है, सिंधारी रायसेन, मतलब देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर इनका आप नाम लिखते जा रहे हैं, जिले अंकित करते जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए वन अभ्यारण्य में विशेष रूप से यदि बात करें तो सभी वन अभ्यारण्य में जो पशु पक्षी हो एक समान लगभग लगभग देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके नील गाय हो गई है ना, सांभर हो गया, चीतल हो गया, हिरण हो गया, ये सब देखने को मिलते हैं, तो कभी भी परीक्षा में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, स्पेशली वन अभ्यारण्य का नाम पूछा जाता है कि कौन सा वन अभ्यारण्य आपके कहाँ पे स्थित है, ठीक है, जिसमें आपके पक्षी या पशु जो आपके महत्वपूर्ण है वो मैं बता दिया, जैसे कि राष्ट्रीय चंबल हो गया, केन नदी हो गई और आपके सोन नदी हो गई, यहाँ पे आपके तीनों किसके लिए समर्पित है, घड़ियाल मगर के लिए, इसी तरह आपके जो आपके सैलाना रतलाम हो गया और सरदारपुर धार हो गया, खरमोर पक्षी आपके दूधराज के लिए, यहाँ पे आपके घाटी गांव और करेरा जो हो गए आपके सोन चिड़िया के लिए स्पेशली महत्वपूर्ण है, तो इनको मैंने बताया, ठीक है। अब इधर साइड थोड़ा सा आएंगे तो आपको यहाँ पे जो सिवनी है, सिवनी में आपको कौन सा मिलता है, आपका पेंच वन अभ्यारण्य देखने को मिलता है, आपके किस ज़िले में, आपके सिवनी ज़िले में देखने को मिलता है पेंच वन अभ्यारण्य, आपके सिवनी ज़िले में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे
कि यहाँ पे जहाँ पे आपके कौन सा एक सोन नदी अभ्यारण्य देखे थे, यहाँ पे एक आपके और देखने को मिलता है, कौन सा? बगदरा, बगदरा वन अभ्यारण्य। ये आपके कहाँ पे? आपके सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, बगदरा सीधी में है आपके। ठीक है, देखते जाइएगा। तो जैसे कि सोन नदी अभ्यारण हो गया और बगदरा, ये दोनों आपके सीधी में, पनफथा आपके शहडोल उमरिया में है ना, आपके फैन लिख दिया है मंडला में, फैन के साथ साथ आपके ओरछा, अब इधर साइड ऊपर साइड आइए, ओरछा जो आपके वन अभ्यारण देखने को मिलता है, ओरछा आपके कहाँ पे देखने को मिलता है? ओरछा वन अभ्यारण टीकमगढ़, और यहीं पे सागर संभाग अंतर्गत सम्मिलित आपका जो दमोह है, दमोह में एक वन अभ्यारण देखने को मिलता है, कौन सा? रानी दुर्गावती वन अभ्यारण। ये आपके कहाँ पे देखने को मिलता है? रानी दुर्गावती वन अभ्यारण आपको देखने को मिलता है, आपके दमोह में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि और तो कोई नहीं छोड़ गया, काली बीच, ठीक है। ये देखिए आपके लगभग जो आपके सभी वन अभ्यारण्य वो मैंने बनाए हैं, इनमें से कुछ छूटना तो नहीं चाहिए, वैसे सभी हो गए हैं है ना। और इनमें से बड़े और छोटे आपको याद होंगे कि बड़ा कौन सा है? आपका नौरा देही आपके सागर में, और आपका जो सबसे छोटा है आपका कौन सा? राला मंडल इंदौर। ये आपके वन अभ्यारण है, ठीक है। इनमें से एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, एक यहाँ पे छूट गया है आपके, कौन सा सर दिख रहा है? मयूर अभ्यारण्य, आपके कहाँ पे है? झाबुआ जिले में। मयूर अभ्यारण्य आपके कहाँ पे? आपके झाबुआ जिले में, ठीक है। और एक और इधर साइड छोड़ रहा है आपका, जो आपके कौन सा है? दुबरी, दुबरी वन अभ्यारण सीधी। सोन नदी वन अभ्यारण आपके सीधी में, दुबरी आपके सीधी में, बगदरा आपके सीधी में, ये तीन वन अभ्यारण, ठीक है। सर थोड़ा सा इसको पूरा बोर्ड कर दीजिए तो देख लें लोग, सभी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया। ये प्रमुख जो वन अभ्यारण है, इनमें से जैसे कि आपके, मैं अभी फिर से एक बार नाम इनके फिर से बोलूँगा, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें आपके पूछा जाता है कौन कौन से आपके विशेष पशु पक्षी के लिए समर्पित है, तो सुनिएगा। राष्ट्र नंबर एक, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण, ये घड़ियाल मगर के लिए। दूसरा आपके सोन नदी वन अभ्यारण, ये भी आपके घड़ियाल मगर के लिए। और तीसरा आपके केन नदी वन अभ्यारण, घड़ियाल मगर के लिए, ठीक है। ये आपके वन अभ्यारण तीन। फिर इसी के साथ साथ, इन तीनों के साथ साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे आपके दो दिखते हैं, कौन से आपके मार्क? एक तो आपका दिखता है कौन सा? घाटी गांव। दूसरा आपका दिखता है करेरा। ये दोनों किसके लिए? आपके सोन चिड़िया के लिए आपके, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल, केन नदी और आपके सोन नदी, ये तीनों घड़ियाल मगर के लिए, ये दोनों आपके सोन चिड़िया के लिए। यहाँ पे आपके देखें, ये आपके यहाँ पे दिखता है सरदारपुर धार खरमोर पक्षी के लिए, ठीक है। आपके सैलाना, ये कहाँ पे? आपके रतलाम में देखने को मिलता है। ये भी आपके किसके लिए? आपके खरमोर पक्षी के लिए। मयूर अभ्यारण्य आपके
झाबुआ में। इसके बाद आपके देखने को मिलता है कामधेनु वन अभ्यारण्य, ये गौ के लिए साजापुर में है ना। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण है, बड़े छोटे मैंने बता दिए कि बड़ा कौन सा है और आपके छोटा कौन सा है, तो आप इनको याद रखिएगा। ये आपके वन अभ्यारण्य यहाँ पे हो गए है ना। तो बड़े वन अभ्यारण्य के संदर्भ में विशेष पशु ये 8-9 जो है स्पेशली आप लोग क्या करिए, याद रखिए ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है जो वन अभ्यारण से संदर्भ है और आपके किसके राष्ट्रीय उद्यान, ये जो परीक्षा की दृष्टि से आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आपके डायरेक्ट पूछा जाता है, ये आपके वन अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे समाप्त होते हैं ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके कुछ मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखने को मिलते हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से आपके सबसे महत्वपूर्ण है, ये कौन कौन से हैं। तो 3 आपके देखने को मिलता है, कुछ जगह होता है कि आपके 2 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके 3 पारिस्थितिकी तंत्र से जो सबसे महत्वपूर्ण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, नंबर 1 आपके पचमढ़ी ठीक है, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपके किस जिले में, होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। दूसरा आपके देखने को मिलता है अचानकमार, ये आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, अमरकंटक, अमरकंटक अनूपपुर। तीसरा आपको देखने को मिलता है पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपके कहाँ पे, आपके पन्ना में। देखिए कुछ पुस्तकों में या कहीं कहीं पे अभी विवादित है पन्ना के संदर्भ में, जैसे कि जो पचमढ़ी व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको कब बनाया गया था, 1999 में बनाया गया था। अचानकमार अमरकंटक जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये कब बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था। इसको 2011 में घोषित किया गया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मतलब कि ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं आपके 3 हैं, कौन कौन से, एक तो है आपका पचमढ़ी जो कहाँ पे है, आपके होशंगाबाद यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में। दूसरा आपको देखने को मिलता है कौन सा, अचानकमार अमरकंटक, और तीसरा आपको देखने को मिलता है पन्ना। ये 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं ठीक है। ये स्पेशली आप लोग याद रखिएगा, इनको कब घोषित किया गया, पचमढ़ी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपके घोषित किया गया कब, ये 1999 में घोषित किया गया। अचानकमार अमरकंटक को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, 2005 में घोषित किया गया। और जो पन्ना है इसको कब घोषित किया गया, 2011 में घोषित किया गया। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपके राष्ट्रीय उद्यान, वन अभयारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं, यहाँ तक आपके लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए है ना। ये आप लोग स्पेशली याद रखिएगा किसके संदर्भ में, अपने जो वन डे एग्जाम है उनके संदर्भ में, कि ये आपके स्पेशली पूछे जाते हैं ठीक है। तो चलिए फिर आज आपका यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक था वो पहले वीडियो में हो गया, ये जो दूसरा वीडियो है किसके लिए, आपके वन अभ्यारण्य के संदर्भ में, ये वन अभ्यारण्य वाला हो गया, और किसका, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में ये यहाँ पे। तो ये हमारे जो दोनों वीडियो हैं आपके वनों की दृष्टि से आपके सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो वनों का टॉपिक है आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं है ना। अब एक जो वनों के संदर्भ में अपन अलग से लेके आएंगे, वनों से संबंधित कुछ योजनाएँ हैं है ना, कि वन संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएँ लागू हैं, और आपके जो वनों के संदर्भ, जैसे कि आपके जो वन प्रहरी हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, और वनों के संरक्षण के लिए जो आदिवासी हैं उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो ये क्या है, योजनाओं वाले टॉपिक में पूरी सारी चीज़ें कवर करूंगा कि कौन कौन सी योजना आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप यहीं तक, आप इसको अपने जो टॉपिक है आज मैं यहीं पे विराम करता हूँ, ये आपके यहाँ तक वन अभ्यारण्य का टॉपिक समाप्त हुआ ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।